नमस्कार दोस्तों, एनडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम सेंटर हैं और एग्जाम डेट और किस पारी में आपकी एग्जाम होगी, ये लिंक भी एक्टिवेट कर दिया है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र परीक्षा तिथि वह आपकी जो कौन सी शिफ्ट में परीक्षा होगी वो कैसे चेक करना, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो भी इस वीडियो में जानकारी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने एप्लीकेशन आईडी भूल गए हैं तो वो एप्लीकेशन आईडी किस प्रकार से फॉरगेट करना है वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, पुलिस महानिदेशक ने आज एक आदेश जारी करके कहा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा दिनांक 13, 14, 15 व 16 मई 2022 को प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी के जिला परीक्षा केंद्र, दिनांक एवं पारी से संबंधित जानकारी दिनांक 3 मई 2022 से पुलिस विभाग की वेबसाइट या वेबसाइट recruitment2.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी। दोस्तों, ये लिंक आज ही एक्टिवेट हो गया है, जबकि इसमें 3 तारीख बताया गया था लेकिन आज ही एक्टिवेट हो गया है। और लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र भी डाउनलोड करने के लिए आपको सूचना अलग से दे दी जाएगी। दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना देखने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा या आप हमारी वेबसाइट mdsmartclasses.com पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 के जो एडमिट कार्ड और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो किस प्रकार से चेक करना है, इसके लिए आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप आने के बाद यहाँ पर आपको होम पेज पर ये मिल जाएगा, क्लिक हेयर टू नो योर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दाएं साइड में यहाँ पर दिखाई देगा नो योर सेंट्रल लोकेशन, आपका सेंट्रल लोकेशन पता करने का लिंक शो होगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा, इसमें आपके पास से आपकी एप्लीकेशन नंबर मांगे जाएंगे, आपके DOB और नीचे जो टेक्स्ट दे रखा है, कैप्चा कोड दे रखा है, वो एंटर करके आपको यहाँ पर सबमिट करना है। दोस्तों, ध्यान रहे, अगर आप अपनी जो एप्लीकेशन आईडी अगर भूल गए हैं तो वो भी आपको वीडियो के अंत में बताई जाएगी वो कैसे फॉरगेट करना है। तो यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर डाल के, अपनी DOB डालकर और यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, पॉपअप विंडो में आपका एग्जाम सेंटर रिक्रूटमेंट का नाम आ जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल 2021। यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम आएगा, कांस्टेबल जनरल नॉन TSP एरिया, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, सेंट्रल लोकेशन कौन सा मिला है और एग्जाम किस तारीख को और कौन सी शिफ्ट में होगी। यहाँ पर 15 मई 2022 को इवनिंग शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट होगी इस कैंडिडेट की। अब बात करते हैं कि आपको फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी किस प्रकार से करना है। फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी के लिए सबमिट बटन के ऊपर एक लिंक दिया है, फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, इसमें आपके पास 3 तरीके बताए एप्लीकेशन आईडी को फॉरगेट करने की, एक तो नाम के अनुसार, दूसरा रिसिप्ट नंबर के अनुसार और तीसरा मोबाइल नंबर के अनुसार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाम के अनुसार। नाम के अनुसार अगर आपको एप्लीकेशन आईडी फॉरगेट करनी है तो यहाँ पर आपको आपके कैंडिडेट का नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है और उस कैंडिडेट की DOB डालनी है। DOB डालने के बाद आपको जो टेक्स्ट दिया गया है उस टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप करके गेट एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन आईडी कांस्टेबल जनरल नॉन TSP और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आईडी शो हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपके मोबाइल नंबर से किस प्रकार से एप्लीकेशन आईडी फॉरगेट करें। दोस्तों, ध्यान रहे, मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं और इसके बाद आपकी DOB यहाँ पर भरनी है। DOB डालने के बाद आपको यहाँ पर वही टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करके और यहाँ पर गेट एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक कर देना है। गेट एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक करते ही आपके सामने नीचे की तरफ वापस से उसी तरह के एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशन आईडी कांस्टेबल जनरल नॉन TSP, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आईडी
अंक जो यहाँ पर शो हो जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप अपने एग्जाम सेंटर लोकेशन का पता कर सकते हैं, कौन सी दिनांक को आपकी परीक्षा आयोजित होगी और कौन सी शिफ्ट में आपकी परीक्षा आयोजित होगी और किस जिले में आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा, और साथ ही साथ आप अपनी जो एप्लीकेशन आईडी है वो किस प्रकार से फॉरगेट कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। दोस्तों जैसे राजस्थान पुलिस के एडमिट कार्ड जारी होंगे उसकी सूचना आपको अलग से वीडियो में दे दी जाएगी, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।